नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शिनी। शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई अहम मुद्दों को लेकर आज सीएम संवाद में समीक्षा बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा समेत शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी भाग ले रहे थे। पटना एयरपोर्ट पहुंचे रविशंकर प्रसाद, भारी संख्या में कार्यकर्ता है मौजूद। जी हां, जरा ये सुनते हैं, पटना पहुंचते ही रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही कृतज्ञ हूँ। उन्होंने तीन तीन बड़े विभाग मुझे दिए हैं, उनकी अगुवाई में भारत के विकास की दौड़। घायल तेज प्रताप यादव को देखने उनकी सरकारी आवास पहुंची उनकी सास पूर्णिया राय, चंदिका राय की पत्नी और ऐश्वर्या राय की मां, और साथ ही साथ गाड़ी में तेज प्रताप की मां व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व बहन मीशा भारती भी सरकारी आवास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व लालू प्रसाद के बड़े बेटे को सड़क हादसे में चोट लगी थी। तेज प्रताप की गाड़ी किसी अन्य गाड़ी से टकरा गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। तेज प्रताप के अलावा दो अन्य लोगों को भी चोट लगी। उसके बाद उन्हें पटना के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टर ने तेज प्रताप को अस्पताल से घर जाने की अनुमति दे दी थी, जहां तेज अपने सरकारी आवास पर आराम कर रहे हैं। जहां तेज प्रताप को सुबह से ही उनके चाहने वाले का तांता उनके आवास पर लगा हुआ है। शिक्षा विभाग प्रधान सचिव आरके महाजन ने कहा कि अगले वर्ष 1 अप्रैल से सभी पंचायतों में कक्षा 9वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बिहार के सभी हाई स्कूल में लागू होगा स्मार्ट क्लास। इसी वर्ष जुलाई माह से शुरू होगा स्मार्ट क्लास। वही आनंद किशोर ने कहा कि ऑनलाइन ग्रांट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया फास्ट होगी। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने शिक्षा को लेकर और क्या क्या कहा। केंद्रीय उद्घाटन अगस्त माह में किए जाने का लक्ष्य और उसको करते हुए उसको सुचारू रूप से कार्यरत भी किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य दिया गया है। और इसका केंद्रीय उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किए जाने का प्रस्ताव। इसके साथ ही जो बिहार बोर्ड का अधिनियम या आज़ादी के समय उनके बाद का बना हुआ है 1952 का अधिनियम है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य और आधुनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर जितने प्रकार के महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव और हाईटेक टेक्नोलॉजी जो बिहार बोर्ड ने इस्तेमाल किया है, उसके आलोक में एक्ट में भी परिवर्तन की आवश्यकता अब महसूस की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में उस एक्ट को भी के स्थान पर नया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 को बहुत जल्द उसको लागू किए जाने की बात है, और उसमें इन सभी तकनीकी बदलावों और जो भी नए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं उन सबों को उसमें स्थान दिया जाएगा। और जो क्षेत्रीय कार्यालय, जो 9 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं, उन सबों के कार्यों का भी उसमें प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार से अब काफ़ी सारी चीज़ें फोटो वाले सिस्टम में यह होगा कि अब से बिहार बोर्ड जितनी भी परीक्षाएँ लेगा उन सभी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को दो तरह की चीज़, जो कॉपी और ओएमआर शीट्स अब जो दी जाएगी उस कॉपी पर अमूमन अभी 24 पन्ने और 32 पन्ने की कॉपी रखते हैं, उस कॉपी के टॉप मोस्ट पेज पर हर विद्यार्थी की फोटो छपे। तो एक जो शिकायत कभी कभी आती है, जो कि हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से हम लोग रिलीज भी करते हैं, कई जिलों में मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं या कोई एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के बदले एग्जाम देते हुए पाया जाता है, ऐसे कुछ शिकायतें कभी भी मिलती हैं। उस प्रकार की संभावनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब कॉपी पर ही फोटो छापा जाएगा और लगभग 2 करोड़ कॉपियां बिहार बोर्ड अब छापेगा फॉर द मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और 2 करोड़ ओएमआर शीट्स। तो इसको जो परीक्षा में पूरी तरह कदाचार रहित और कड़ाई के साथ संचालित करने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया है, उसी लक्ष्य को और आगे बढ़ाते हुए पूरी परीक्षा प्रणाली को और अधिक बेहतर करने की दिशा में यह कार्रवाई की जा रही है। इसका यह भी परिणाम होगा कि जो प्री प्रिंटेड कॉपी बारकोड और लिथोकोड के साथ बिहार बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके माध्यम से जो अब कैंडिडेट्स के द्वारा अब कोई तरह का डिटेल या बबल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एरर्स की संभावना और त्रुटियों की संभावना को पूरी तरह कम किया गया, वह सिस्टम और अधिक सुदृढ़ और बेहतर हो सकता है। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की गई
इस वृक्षारोपण बैठक में मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय और एडवाइजर सीएम जी उपस्थित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षोपरांत जो निर्देश विभाग को दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि अगले वर्ष 1 अप्रैल से राज्य के सभी पंचायतों में सरकार का एक नीतिगत फैसला है कि हमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करनी है, उसको लागू किया जाएगा और उसी नीतिगत फैसले के कार्यान्वयन में हर पंचायत में वर्ग 9 की पढ़ाई हम प्रारंभ कर देंगे। राज्य के सभी पंचायतों में कक्षा 9 की पढ़ाई हम प्रारंभ कर देंगे ताकि हर पंचायत में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का सरकार का नीतिगत फैसला है उसको अगले साल से हम लागू कर सकें। उसके पीछे मंशा ये है कि एक तो बच्चियों की एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना है और ये जो हमारे जितने भी सर्वे हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के सर्वे ये कहते हैं कि अगर लड़कियाँ छात्राएँ अगर 10th पास हैं तो शिक्षा के जो अन्य बेनिफिट्स होते हैं उनको इससे टोटल फर्टिलिटी रेट में भी कमी आती है और अगर लड़की 12th पास है तो TFR और कम हो जाता है। तो ना केवल ये महिला सशक्तिकरण के लिए कदम है और बिहार की जो पॉपुलेशन की एक बहुत गंभीर समस्या है उसको कंट्रोल करने में भी इसमें मदद मिलेगी। उसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये नीतिगत फैसला लिया गया कि अगले साल हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। दूसरा, ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और उन्नयन बांका का कार्यक्रम बड़ी सफलतापूर्वक पूरे बांका में लागू किया गया है। ये स्मार्ट क्लासरूम होते हैं जिसमें TV स्क्रीन रहती है और हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो कंटेंट तैयार होते हैं और उसको बड़े ही सरल भाषा में उस वीडियो को प्ले करके उसको TV स्क्रीन पर दिखा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उन्हें बांका के माध्यम से जो बांका जिला में बच्चों के अटेंडेंस में सुधार हुआ, इस बार जो बोर्ड के रिजल्ट आए 10th और 12th के उसमें भी जो पहले वहाँ रिजल्ट 30% से कम रहता था 80% से ऊपर चला गया। तो यह निर्णय हुआ है कि जुलाई और अगस्त से हम सारे बिहार में सभी हाई स्कूल में और ये उन्नयन बांका को लागू करेंगे, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करेंगे। इससे ना केवल बच्चों का स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और ये शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करने में इसमें सहयोग मिलेगा।